तो मैम काफी डिमांड होता है इसका ई रिक्शे पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अपनी ई रिक्शा कार्ट है, चलती फिरती दुकानें कहीं भी ले जाकर आराम से खड़ी कर दीजिए, खड़ी कर सकते हैं आराम से और इजीली अपना काम कर सकते हैं। ये अपनी आइसक्रीम कार्ट है। अरे क्या बात है, बहुत ही कमाल की कार्ट लग रहा है। इसमें देखिए फ्रीजर लगा रखा है हमने और ये क्लोजिंग के लिए डोर भी लगा रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, और लाइट्स वगैरह जिसे मैं देख पा रहा हूँ मैम, बहुत ही कमाल के लाइट हमने लगा रखे सारे। दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ चलती फिरती दुकान। अगर आप फूड कार्ट लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे मैन्युफैक्चरर पास लेकर आया हूँ जहां पर आप देख सकते हैं आपको मिलने वाली है कमाल कमाल की फूड कार्ट। आप जिसे देख पा रहे हैं इस प्रकार का, अगर आप फूड कार्ट लेना चाहते हैं, डिजाइनर फूड कार्ट लेना चाहते हैं, इस प्रकार देखिए, चाहे आप ई रिक्शा पर बनवाए, साइकिल पर अटैच कराए या जो है बाइक पर अटैच करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर एक से बढ़कर आपको एक फूड कार्ट मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारे जो है कार्ड दिखाएंगे, आप अगर लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं, घर बैठे मंगवाना चाहते हैं कैसे मंगवा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों मैम हमारे साथ है, मैम कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे? बहुत बढ़िया मैम। मैम आप पास आया हूँ फूड कार्ट देखने के लिए, कौन कौन सी टाइप का फूड कार्ट बनाते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपसे लेंगे। थोड़ा सा अपना परिचय बताएं, आपके फर्म का क्या नाम है और कहाँ पड़ता है? देखिए मैं माही फ्रॉम विश्वकर्मा मशीनरी, अपनी ये दिल्ली डाबरी पड़ती है, इंडस्ट्रियल एरिया, नियर बाय अपना टीवीएस सर्विस सेंटर है, तो आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैम आप लोग जो कार्ड बनाते हो कौन कौन सी टाइप के आपके पास कार्ड मिल जाएगा थोड़ा बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताना नहीं, मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम किस किस टाइप की बनाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, जो भी कार्ड मैम पास है सभी दिखाएंगे और कौन कौन से आप चाहे स्टील में लेना चाहते हैं या लोहे में लेना चाहते हैं या ई रिक्शा बनवाना चाहते हैं पूरी जानकारी आपसे आपको बताएंगे। तो वीडियो बने रहिए आपको। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो मैम इसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत आपके पास कार्ड रखे हुए हैं। हाँ, ये सारे लाइन्स ही कार्ड रखे हैं, मतलब एक दो नहीं है मैम, देख पा रहा हूँ पूरे लाइन से खड़ा हुआ है। जी जी जी, हमारे पास अलग अलग टाइप की कार्ड्स हैं, एक बार आप आइए मैं आपको सारी कार्ड्स दिखाती हूँ और अपनी फैक्ट्री का टूर करवाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए इस प्रकार की कार्ड यहाँ पर रेडी हुई है। हाँ जी। यहाँ पर पूरा अटैचमेंट कराना चाहते हैं सब कुछ हो जाएगा मैम, आराम से कस्टमाइज कोई करवाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप साइज भी कस्टमाइज करवा सकते हैं, जो डिजाइन आप लेके आएंगे वो डिजाइन भी हम बनाएंगे। क्या बात है मैम, ये सभी लगे हुए कार्ड देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे कार्ड यहाँ पर मैम आपने पूरा जो है लगा रखा है, एक दो कार्ड नहीं है, पूरा देख पा रहा हूँ लाइन से बहुत सारे कार्ड खड़े हुए हैं, मिल जाएंगे सर आपको। तो थोड़ा सा बताती रही मैम कौन कौन सी टाइप का पास जो कार्ड बने हुए हैं। ये अपनी आइसक्रीम कार्ट है। अरे क्या बात है, बहुत ही कमाल की कार्ड लग रहा है। इसमें देखिए फ्रीजर लगा रखा है हमने और ये क्लोजिंग के लिए डोर भी लगा रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, और लाइट्स वगैरह जिसे मैं देख पा रहा हूँ मैम, बहुत ही कमाल के लाइट हमने लगा रखे सारे। ये फ्रीजर वगैरह कोई भी अटैचमेंट कराना चाहते हैं छोटे बड़े सारे, फ्रीजर हो गया, आप इसके जगह अगर साउथ इंडियन में जाना चाहते हैं तो डोसा तवा भी ऐड करवा सकते हैं। क्या बात है, देखिए दोस्तों कितना कमाल का है कार्ड। और मैम ये थोड़ा सी बताएं जो साइज की बात कर लेते हैं, तो सबसे कम जो साइज होता है कार्ड में कितने? देखिए सबसे कम जो साइज होता है वो 2.5x4 होता है, ठीक है, 2.5x4, 2.5x2 भी अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करवा सकते हैं। अब ये हमारी है रिक्शा कार्ड, रिक्शा पे हमने मॉडिफाई कर रखा है। ये देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल की कार्ड लग रही है मैम, पूरा इसे मैं देख पा रहा हूँ। और साइज वगैरह थोड़ा सा बता दीजिए क्या साइज होगा इसका? साइज देखिए सर ये अपना 2.5x4.5 का साइज है, 2.5 इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी 4.5 है। अच्छा जी। हाँ तो जी। ये सब क्या लगा हुआ है मैम? ये देखिए सर विनाइल है, तो ये कस्टमर ने अपने हिसाब से उनकी ब्रांडिंग है ये हमने बनवा के लगवाया हुआ है इस पे। अच्छा, अगर कोई अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं वो भी आराम से हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी कमाल की है। और जो भी एक्सेसरीज मैम लगवाना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आराम से लगवा सकते हैं। बिल्कुल सर, अब देखिए इसमें उन्होंने क्या लगवा रखा है, दो बर्नर लगवा रखे हैं चाय के लिए, नाश्ते के लिए। हाँ जी, और ये सर्विंग टेबल भी बनवा रखे हैं उन्होंने। तो देखिए दोस्तों अगर कोई भी एक्सेसरीज आप लगवाना चाहते हैं अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। तो मैम काफी डिमांड होता है इसका ई रिक्शे पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अपनी ई रिक्शा कार्ट है, चलती फिरती दुकानें कहीं भी ले जाकर आराम से खड़ी कर दीजिए, खड़ी कर सकते हैं आराम से और इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार के ई रिक्शा पर अटैच करवाना चाहते हैं, अपना खूबसूरत सा कार्ड बनवाना चाहते हैं, देखिए कितना बेहतरीन कार्ड बना हुआ है, इस प्रकार से आप भी आराम से बनवा सकते हैं। मैम थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए इसमें क्या है, उनका चाइनीज का काम है तो इसमें उन्होंने इंपोर्टेड फ्रायर लगवा रखा है। अच्छा जी। और दो बर्नर ऐड कर रखे हमने और लाइटिंग तो आप देख ही रहे, लाइटिंग बहुत ही कमाल का है मैम जी।
और ये क्लोजिंग के लिए डोर लगाते हैं, जैसे बारिश हो गई, धूप हो गई, तो आपके जितने कस्टमर आराम से इस पे नीचे खड़े होके खा सकते हैं। और इसको कहीं भी रात में आराम से बंद करके जा भी सकते हैं। हाँ, क्लोज करके जा सकते हैं। और ये हमारे संजय सर हैं, इस कंपनी के ओनर। बाकी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बड़ी बहुत बढ़िया सर। और बताएं सर, अपने बारे में कब से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, मैं संजय शर्मा, विश्वकर्मा मशीनरी ओनर। हम लोग देखिए 1995 से काम कर रहे हैं। कंपनी हमारी 1995 से स्टैब्लिश है। हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज में वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है सर, अभी हम लोग लेके आए हैं फूड कार्ट्स। अभी हम फूड कार्ट्स लेके आए हैं। ठीक है सर, फूड कार्ट्स भी देखिए, फूड कार्ट वैरायटी से हम बना रहे हैं। जैसे पुश कार्ट्स हो गया, आपका ई रिक्शा पे कार्ट्स हो गया, जैसे भी कस्टमर कस्टमाइज करना चाहे। ठीक है सर, जैसे कस्टमर आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं, साइज लेते हैं, उसके इक्विपमेंट्स जो जो उसको लगवाने हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। उनको बुलाते भी हैं, विजिट कराते हैं कस्टमर को, हम टू टाइम्स विजिट कराते हैं कि फर्स्ट टाइम उनके कार्ड जब रेडी होती है हाफ, और उसके बाद जो जो इक्विपमेंट उनको लगवाने हैं तब भी हम उनको बुलाते हैं कि आप आएँ अपने अकॉर्डिंग, आप स्टेप जो भी है अपना करवाना है अपना सेटिंग करवा सकते हैं, आके देख सकते हैं कि आपकी कार्ड कैसी बन रही है। ऐसा नहीं है कि बना के हमने सीधा उनको डिलीवरी कर दी। तो सर, आपने जिसे बताया जो भी कस्टमाइज करवाना चाहते हैं अपने हिसाब से आराम से करवा सकते हैं, चाहे ब्रांड करवाना चाहते हैं या छोटे बड़े कराना चाहते हैं, कराना चाहते साइज में। हाँ, तो सर आपके पास जो कार्ड मैं देख पा रहा हूँ सर, तो काफी कमाल का आप लोग बनाए, डिजाइन वगैरह बहुत ही बेहतरीन है सर। तो क्या कैसे क्वालिटी क्या होता है? देखिए सर, आयरन से डिस्कस करते हैं, कस्टमर आता है पहले उनको डिजाइन समझाया जाता है कि हम कैसे बनाएंगे कार्ड्स, और हम लोग कलर्स भी देखते हैं कि हम कलर्स कार्ड पे क्या क्या चूज करेंगे, इक्विपमेंट्स क्या यूज करेंगे कस्टमर के अकॉर्डिंग। जैसे कस्टमर बताता है कि हमें मोमोस कार्ड चाहिए, तो मोमोस कार्ड में क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, तो वो डिस्कस किया जाता है कि ये यूज कर सकते हैं, अब यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग साइज करते हैं। जैसे हमने एक कार्ड बनाई है रिक्शा के ऊपर, ठीक है, रिक्शा में कस्टमर ने कहा कि हमें दो बर्नर चाहिए, एक फ्रायर चाहिए, तो फ्रायर के अंदर भी दो क्वालिटी आती है। अच्छा जी, एक आता है इम्पोर्टेड आता है जो लगा हुआ है, इसके अंदर एक नॉर्मल आता है, इम्पोर्टेड है सर, ये इम्पोर्टेड लगा हुआ है। अच्छा, तो सेफ्टी वाइज ये अच्छा है। अच्छा, जो हम कहते हैं कस्टमर को सेफ्टी वाइज ये सबसे बेस्ट है, ये तो आप ये लगवाइए। तो एक बार आपसे डिस्कस करेंगे सर, आप सारा जो है, आपको काफी लंबा अनुभव है, सारा कुछ आप बता देंगे कौन उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सर, और ये देखिए कार्ड सर एक बार ही बनवाना होता है, एक पैसा इन्वेस्टमेंट जो होता है सर एक बार करना होता है। और इस कार्ड के अंदर फैसिलिटी एक और है कि जिस कार्ड को हम बैटरी जला सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो लाइट से भी जला सकते हैं। अच्छा जी, आप लाइट का भी ऑप्शन कर सकते हैं इस कार्ड में, दोनों सेम। हाँ, सेम एक कार्ड। और काफी सर लोग चाहते हैं लाइट्स वगैरह, उनको सारा कलरफुल चाहे, तो कलरफुल के लिए लाइट्स वगैरह लग जाती है। जैसे हमने यूज की है वॉम व्हाइट, इसमें वॉम व्हाइट यूज की है, अब बाकी हम कार्ड दे सकते हैं। जैसे इसमें यूज की है हमने व्हाइट यूज की है प्रॉपरली, हाँ, ये कस्टमर के चूज के ऊपर, और साथ में विनाइल पेस्टिंग की है। देखिए आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, हाँ, ब्रांडिंग सर एक नंबर को है, पूरा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इसमें हम लोगों ने हेडविक लगाए हैं, सॉकर, क्या बात है, मतलब आराम से कोई बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बंद कर सकते हैं इसको, और बाकी हम लोग मैनुअल लगा, जैसे ये कार्ड से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें टी कार्ड बनाई है हम लोगों ने, टी टाइम है, ब्रांडिंग ये की है हम लोगों ने, और इसको आप इजीली आप ओपन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एक और सिस्टम दिया है हम लोगों ने, जैसे आराम से कस्टमर ये कर सकता है आपको, और इसके लिए हम लोगों ने कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्लैप दिए हैं आराम से। ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड खाना वाना भी खा सकते हैं आराम से। बिल्कुल सर, तो ये अपना ही कर सकता है कि अपना मेकिंग के लिए उसको बेटर है ये चीज के लिए। और सर देख पा रहा हूँ स्टोरेज तो काफी बेहतरीन आपने बना रखा है, स्टोरेज हमने ऊपर भी दी है, स्टोरेज हमने नीचे भी दी है। अरे क्या बात है, मतलब कैश वगैरह रखने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, दो पार्ट में दिए, कैश ड्रॉअर आपका ये है, एक गल्ला वगैरह बैक में भी दिया है हमने स्टोरेज, इसमें देख सकते हैं आप, जैसे लॉक कर सकते हैं आप, ये स्टोरेज दी हुई है। अरे क्या बात है सर, दो पार्ट में किया हुआ, मतलब सर काफी अच्छा स्पेस है, एक बिल्कुल एक समझ लिए सर, चलती फिरती दुकान है। बिल्कुल सर, आराम से कहीं भी ले जाइए, लगाइए, आराम से कमाइए, आराम से कमा सकते हैं। और भी चीजें हैं इसमें, और भी आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो मॉडिफाई करके आप इसमें और भी चेंज और चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या बात है सर, अटैचमेंट और भी आपको दिए जाएंगे इसमें अटैचमेंट करने के लिए। तो सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत कार्ड आपने बना रखा है सर, बिल्कुल ये सर किसी का डिस्पैच होने वाला है। अब ये डिस्पैचिंग है, अब देखिए फाइनल हो चुका है, इनका मेन्यू लगा हुआ है, ये लोगो है इनका, तो ये सर लोगो वगैरह आप पास ये आप खोल भी सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में चेंज करना है। अरे क्या बात है, देखिए मेन्यू अगर चेंज भी कर सकते हैं, मेन्यू आप चेंज कर सकते हैं, खोल के आप ये फिल्म चेंज कर लीजिए, आप दूसरी फिल्म लगा सकते हैं इसके अंदर, आप ये इजीली रिमूवेबल है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है आपका, ये फिक्स नहीं है, चाहे सुबह दूसरा कुछ लगाइए, शाम को दूसरा लगाइए, कर सकते हैं आप वर्कआउट, और आज में आप चेंज कर सकते हैं। आपको इसमें हम लोग ने फ्लैट एक बर्नर दिया है, बाकी वर्किंग टेबल दी है आपको। अच्छा, यहाँ पर एक्सेसरीज तो सर जो भी लगाना चाहते हैं आराम से लगवा सकते हैं। और क्या साइज होगा इसका कार्ड का? ये अपना है 2.5x5, 2.5x5, 2.5x5 के अंदर बनी है। और आपने पूरा सर जो लाइट लगा रखा है सर, पूरा अच्छा लुक में आपने पूरा लगा रखा है। इसमें भी आप कर सकते हैं, आप फ्रंट में आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप खड़े होकर आपको लगता है कि लाइट हमें नहीं जलानी कोई, तो आप ये स्विच बटन दिए हुए, तो आप ये बाहर का जला सकते हैं। अगर लगता है कि मच्छर आ रहे हैं
तो हम ये बाहर की बंद कर सकते हैं और अंदर जला सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर से, हमारे सब में ऑप्शन होंगे आपको। और ये सर आपने लगा रखा है आराम से, कस्टमर यहाँ पर खा सकते हैं बिल्कुल सर। बाकी देखिए कार्स और बन रही है हमारी, जैसे छोटा साइज है बिल्कुल ही, ये एक छोटा साइज है, ये हमारा बन रहा है। देखिए दोस्तों अभी कार्ड जो है रेडी हो रहा है, तो इस प्रकार से अगर आप भी आपके मन में जो भी डिजाइन है सर से डिस्कस करेंगे, डिजाइन वगैरह आराम से बन जाएगा। और ये हमारी टीम है, ये बाकी देख कार्ड्स और बन रही है, लड़के वर्किंग कर ही रहे हैं बिल्कुल। ये भी रेडी हो रहा है, ये आपके बाइक कार्ड है, ये बाइक से आप ले सकते हैं आप इसको। देखिए दोस्तों इसमें बाइक पर आराम से इसमें अटैच हो जाए बिल्कुल सर, क्या बात है सर, कहीं पर आराम से मूव कर सकते हैं बिल्कुल। और ये पुश कार्ट है आपके जो रेडी हो रही है अभी, ये देखिए दोस्तों ये भी अभी रेडी हो रहा है ये फ्लैप्स। हाँ तो थोड़ा सर क्वालिटी जानना चाहेंगे आपके पास, जो क्वालिटी सर मिल जाएगा लोहे में स्टील में। देखिए हम लोग हर वर्कआउट करते हैं, जैसे रहता है कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। स्टील में भी कार्ट बनती है हमारी, स्टील में बनाते हैं और साथ में एमएस के अंदर बनाते हैं। एमएस के अंदर भी हम लोग एसी भी यूज करते हैं, एसी के साथ में स्टील यूज करते हैं, टॉप पे हमेशा हम स्टील यूज करते हैं। अच्छा तो जिसे मैं सर और मैं देख पा रहा हूँ एक चीज़ वीडियो मैंने और सारा बनाया हुआ कार्ड का, जो आपका कार्ड है सर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है सर, क्वालिटी वाइज अगर बात करें सर एक नंबर पूरी क्वालिटी है आपके पास। तो भैया मार्केट में तो और लोग भी कार्ड बना रहे हैं इस प्रकार के, तो आप में क्या अंतर है थोड़ा? देखिए आप मार्केट में हमारे कस्टमर्स का रिव्यू ले सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत लोग नहीं है, बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग। मेन क्या होता है कस्टमर से बेचने के बाद सर्विस जो होती है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, कोई सर्विस नहीं देता, हम सर्विस देते हैं ऑन द स्पॉट पर, सर्विस जाके देते हैं। ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि हमने बनाई कोई चीज है कि कंप्लेन नहीं आती है, कई चीजों में कंप्लेन आ सकती है, आ सकती पर हम लोग ये होता है कि कल लड़के भेजते हैं अपने और वहाँ भी रेक्टिफाई कराते हैं कोई प्रॉब्लम आती है, कि मैडम देखती हैं जितना भी है वर्कआउट, जो कॉलिंग का काम है सर मैम के पास है, ठीक है ना। तो हम लोग मिलकर ही काम करते हैं, हमारे लड़के हैं, लड़के जाते हैं और फील्ड में जाकर वर्कआउट करके कंप्लेन जो भी होती है रेक्टिफाई करके आते हैं। पहली बात भैया कंप्लेन आएगी नहीं, अगर किसी कारणवश आता है तो 100% रिजॉल्व होगा। जाती है डिस्पैचिंग होती है, बाय द कस्टमर यूज कैसे कर रहा है, कस्टमर देखिए न्यू होता है इन कार्ड्स को, कस्टमर न्यू है, एक शॉप्स के अंदर बनाना और एक चलती फिरती कार्ड बनाना, चलती फिरती कार्ड में क्या रोज धक्का मार रहे हैं, लेबर कैसे काम कर रही है वो आपको नहीं पता सर। एक दुकान के अंदर आपको पता होता है कि दुकान के अंदर हमारी यहाँ लाइट से कैसे क्या है, और कार्ड्स में क्या होता है धक्के में या गड्ढे में जा रही है, तो कस्टमर कैसे डील कर रहा है, कस्टमर को हैंडल कैसे कर रहा है कार्ड्स को, वो डिपेंड होता है। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम को ना भी जैसे होती है कभी आ सकती है, ऐसा नहीं कि सब में आती है, कहीं आती है, मेजर प्रॉब्लम कभी कंप्लेन आ सकती है, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है हिंदुस्तान में कहीं नहीं बना हुआ कि इसमें कंप्लेन नहीं आती हो। आप मुझे कई प्रोडक्ट दिखा दीजिए नहीं आती हो, हम वही कहते हैं सर्विस चैलेंज हम लोग करते हैं, क्योंकि बाद में सर्विस देते हैं हम लोग, ठीक है। ये फर्क है हमारे उसमें काम करने तरीके में, कि हम लोग कस्टमर से प्रॉपर ही कनेक्ट रहते हैं। तो भैया कॉलिंग क्या टाइमिंग हो, किस आपका ऑफिस का क्या टाइमिंग होता है? देखिए ऑफिस का टाइमिंग हमारा 9 से 9 है फैक्ट्री का टाइम, 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। हम लोग 9 बजे फैक्ट्री रहती है अपनी, और सातों दिन संडे ऑफ रहता है हम लोग, संडे भी आप विजिट कर सकते हैं, संडे आना चाहें आप कॉल करके मीटिंग करके संडे भी आ सकते हैं आप। क्या बात है, अगर आना चाहते हैं आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, आपसे डिस्कस करके जो भी उनके माइंड में डिजाइन वगैरह आराम से बनवा सकते हैं बिल्कुल। तो भैया एक बात और बता दीजिए, अगर कोई कार्ड लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं सर? देखिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप आने में अगर नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं आ पाते हैं, तो आप ऑनलाइन पे कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल अगर आप देख सकते हैं, वीडियो कॉल आप कर सकते हैं, डिस्कस हम डिजाइन अपने कार्ड्स का करते ही करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, डिजाइन हम भेजते हैं बना के, हम क्या क्या लगाएंगे सारा कुछ डिटेल्स हम भेजेंगे कस्टमर को, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना। और जब कस्टमर की कार्ड रेडी हो जाती है तब कस्टमर आगे विजिट करके अपना जरूरी कराना चाहे अपडेट कराना चाहे चेंज कराना चाहे कार्ड का चेंज करा के अपना कर सकते हैं। और डिलीवरी की बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगी? बिल्कुल ऑल ओवर, देखिए बाय ट्रांसपोर्ट से डिलीवरी ऑल इंडिया, ट्रांसपोर्ट द्वारा कहीं भी मंगवा सकते हैं, इंडिया क्या इंडिया से बाहर अगर कोई लेना चाहते हैं, हमने भी देखिए कुवैत वगैरह भेजा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं भेजा हुआ कार्ड हम लोगों ने। तो भैया काफी लोग डिमांड होता है लोगों का, काफी बेहतरीन हो, अट्रैक्टिव हो, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ काफी बेहतरीन लोगो आपने बना रखा है। आप ये देखिए देख सकते हैं आप, देखिए दोस्तों अगर आप इस प्रकार का लोगो बनवाना चाहते हैं, देखिए जैसे भैया ने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है, आप ये स्मॉल भी देख सकते हैं, स्मॉल भी आप यूज कर सकते हैं, इसे स्मॉल है आपका, ठीक है सर, कोई भी साइज आपका बन जाता है, ऐसा नहीं है कि साइज की नहीं चाहिए आपको, साइज सब बन राउंड में भी आपने बना रखा है। तो इस प्रकार से लोगो जो भी डिजाइन चाहते हैं आपसे डिस्कस करके बनवा सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो लोगो में क्या क्या होता है भैया, इसमें कुछ क्वालिटी वगैरह होता है? देखिए ये लोगो होते हैं बैटरी जल चल सकते हैं और इलेक्ट्रिक चाहे तो हम इलेक्ट्रिक से भी जलते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों आराम से बन जाएगा बिल्कुल। जो हम बैटरी वाले लगाते हैं ये सब बैटरी वाले हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं जब भी आप चाहेंगे लाइट जलाना है तो आप एक अडेप्टर यूज करेंगे तो उससे आपका जल जाएगा। और मेन्यू वगैरह भी है जो लेना चाहते हैं? देखिए मेन्यू के लिए मैंने आपको बाहर भी दिखाया था, बाहर आपको ये भी दिखाया मैंने, सेम चीज है इसमें, छोटे बड़े साइज जो भी चाहते हैं आराम से हो जाएगा। ये छोटा साइज है, अगर आप बड़ा साइज चाहते हैं तो ये देखिए
ये और बड़ा साइज भी है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, बड़े छोटे साइज जो भी चाहते हैं आराम से इसमें बन जाएगा आराम से। तो दोस्तों आपको सभी दिखाया गया कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो कार्ड मिलने वाला है काफी बेहतरीन मिलने वाला और मार्केट से बहुत ही हटके मिलने वाला। और इसके बाद आपको जो मिलने वाला है सर्विस, काफी लोग कार्ड आपको दे देंगे लेकिन माल लेने के बाद आपको सर्विस नहीं मिल पाती, आपको यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने आएगी। आप यहाँ से कार्ड ले सकते हैं आराम से, अपने हिसाब से बनवा सकते हैं और ऑल इंडिया से मंगवाना चाहते हैं आराम से आप मंगवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर छोटे बड़े जो भी कार्ड लेना है स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर आप कॉल करें, रेट्स वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।